रीनू रीनू शाह जी, राधे राधे गुरु जी, सपने में खुद की शादी देखने का क्या मतलब है और कावारी कुमारी कन्या एकादशी और शनिवार का व्रत कर सकती हैं? हाँ जी, स्वयं की शादी विवाह स्वप्न में देखना, खुद का विवाह यदि कोई सपने में देखता है तो वो शुभ नहीं है। यदि आपका विवाह हो गया है, कोई कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की अपना विवाह देखे सपने में तो उसके लिए शुभ है, पर कोई विवाह शादीशुदा पुरुष या स्त्री वो अपना विवाह सपने में देखे कि उसका विवाह हो रहा है तो ये स्वप्न भगवान को ही सुना करके भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हम सभी सुखी और स्वस्थ रहें, हम सभी प्रसन्न चित्त से जीवन यापन करें। सपना है ये सपने जो हैं ये भी दर्शाते हैं कि आपकी पत्नी है और आपका पति है, पर आपकी दूसरी शादी भी होने वाली थी, पर आपका प्रेम आपकी भक्ति को देखकर परमात्मा ने दूसरी शादी का संयोग सपने में ही पूरी कर दिया। मतलब आपकी दूसरी शादी भी हो गई, जो दोष था, है ना, जैसे शादी में किसी के मंगल होता है ना तो कहते हैं कि पहले उसका घड़े के साथ विवाह कर देने से उसका दोष मिट जाता है। जैसे किसी लड़की के भाग्य में दो विवाह होते हैं, किसी लड़के के भाग्य में दो विवाह होते हैं, किसके दो विवाह होंगे तो दो विवाह कब होगा कि जब कोई स्त्री या पुरुष चला जाए तो दूसरे विवाह की संभावना है। तो इसके लिए तोड़ क्या होता है कि ये कुंडली में पता चल जाए कि इसके दो विवाह का योग बन रहा है तो शादी के पहले उसका विवाह घड़े से करा दिया जाता है, है ना, पेड़ पौधों से करा दिया जाता है। तो वो विवाह करा दिया तो वो विवाह का दोष खत्म। अब जिससे विवाह होगा जोड़ी अमर रहेगी, बनी रहेगी। उसी प्रकार आपके जीवन में भी शायद दो का योग था तो एक आपका विवाह हो गया और आपका एक सपने में हो गया तो जो दोष था वो सपने में मोक्ष हो गया, अर्थात वो मोक्ष अर्थात वो दोष था वो समाप्त हो गया। तो अच्छा है, आपका जीवन अब मंगलमय होगा और आनंदमय होगा। ये इसका संकेत है कि आपका दूसरा विवाह भी होना था पर वो स्वप्न में, जैसे किसी को बहुत बड़ा दंड मिलना था पर कांटा चुभ करके वो दंड समाप्त हो गया। इसका ये अर्थ है कि आपका दोष, आप दोष से निवृत्त हो गए, आप अब आनंद के साथ भगवान के चरणों में समर्पण करके और अपना जीवन यापन कीजिए।